हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वाति। आज का हमारा टॉपिक है ये बोगनवेलिया की कटिंग को हम किस तरह से लगाएं। देखिए, ये मैंने रोड साइड से कट करी हुई है। ये पीच पिंक कलर की है मेरे पास और ये पिंक कलर की है। और यहाँ पे देखिए, ये एक स्टेम में दो कलर है, वाइट और पिंक, वो भी मैंने कट कर ली है। और ये पिंक कलर की थोड़ी अलग वेराइटी है, गुच्छों में आई हुई है, इस टाइप ही है। तो ये इस डिफरेंट कलर मैंने कट करे हुए। देखिए, ये सिर्फ वाइट कलर की है मेरे पास। तो आज हम शुरू करते हैं कि इसको किस तरह से लगाए। तो इसमें हमें 3-4 काम करने हैं। पहला काम तो मैं इसकी स्टेम में सभी में ये स्टिकर लगा दूंगी, तो जिसके वजह से मुझे पता चले कि ये किस कलर की है। देखिए फ्रेंड्स, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की कटिंग सिलेक्ट करनी है जिसकी थोड़ी मोटी ब्रांच हो। इस तरह से मोटी ब्रांच में से ग्रोथ के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो एक्स्ट्रा टहनियाँ है और एक्स्ट्रा फूल है उसको मैं निकाल दूंगी। ये नीचे की साइड की टहनियाँ है, इसको मैं ब्रांचेस को कट कर दूंगी। और सेकंड जो ये नीचे का पार्ट है जिसको हमें मिट्टी में दबाना है, उसको ये ब्राउन कलर का जो मोटी स्किन है उसको मैं निकाल दूंगी, तो इजीली रूट्स इसमें से ग्रो हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे ये कटिंग अब बन के रेडी हो चुके हैं। देखिए, मेरे ये शायद 10-12 कटिंग इस तरह से रेडी किए हैं और सब में कलर भी मेंशन कर दिया है कि किस कलर का ये स्टेम है। और सभी को नीचे के इस तरह से स्किन उसकी निकाल दी है। और सबको देखिए, मेरा ये एंटी फंगल पाउडर है, साफ़का है ये। इसमें ये नीचे की साइड को डिप करके फिर देखिए, ये गमले मैंने रेडी करे हैं, पानी इसमें डाल दिया है। इसमें मैं मिट्टी में दबा दूंगी। एंटी फंगल पाउडर से हमारा रूट रोटिंग का चांस कम हो जाता है, हमारे रूट्स गलती नहीं है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन हो तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। आप ये बोगनवेलिया की स्टेम को मॉनसून के पहले लगा दो। अभी मॉनसून मेरे यहाँ स्टार्ट होने वाली है, तो अभी मैं इसको लगा रही हूँ, तो इजीली लग जाएंगी इस सीज़न में। तो चलिए शुरू करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कटिंग सभी में लगा दी है। अब मैं इसमें दूसरे वीडियो के बाद, थोड़े दिनों के बाद जब दूसरे वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें बीच बीच में इसका अपडेट क्या है वो भी आपको बताती रहूँगी कि किस तरह ग्रो हो रही है या क्या हो रहा है इस कटिंग का। ये ब्यूटीफुल येलो पोर्चुला का मेरे गार्डन में देखिए बहुत अच्छे से खिल रही है। ये देखिए दूसरे पोर्चुलाका के फ्लावर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।